हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी मशीन के बारे में। आप जो ये मशीन देख रहे हो, इस मशीन को अगर कोई नया पर्सन इस मशीन को अगर सीखता है तो उसको सीखने के लिए कितने दिन का टाइम लग सकता है, और जब वह फुल ऑपरेटर बन जाएगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी, और जो साड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में। दोस्तों, इस मशीन का नाम है रिपेयर जैकार, या इसे रिपेयर लो स्पीड भी मशीन बोल सकते हो, क्योंकि इसका काम सबसे ज़्यादा सूरत में होता है। अगर कोई नया पर्सन इस मशीन को सीखता है, उसको सीखने के लिए 1 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। जब वह फुल ऑपरेटर बन जाएगा तो उसकी जो है 4 मशीन मिलती हैं, वो चाहे नया ऑपरेटर हो या पुराना ऑपरेटर हो। तो यहाँ पर हर एक ऑपरेटर को 4 मशीन ही दी जाती हैं, और मशीन बराबर चलती रहती हैं। अगर उसको नॉलेज अच्छा होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बाकी काम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं इस लाइन में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, यह है मशीन का कंप्यूटर, जो कि इसमें पूरा बायोडाटा पता चल जाता है दोस्तों। और हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। अगर आप इसमें जो सैलरी है वो 2 प्रकार से मिलती है। अगर आप यही मशीन फिक्स में काम करते हो तो जो फिक्स की सैलरी होगी, आपको कहीं भी काम करोगे यहाँ पर सूरत में, तो यहाँ 1-4 मशीन अगर आप चलाते हो तो आपको पर डे का 1000 रुपये मिलता है। अगर आप यही मशीन मीटर में चलाते हो तो जो मीटर की सैलरी होती है वो आप 1000 से 1200 रुपये पर डे कमा सकते हो सूरत में कहीं भी काम करके। बाकी ये जो मशीन है, इसमें जो डिजाइन बनता है वो मशीन से ही कंप्लीट होकर बनता है। बाकी आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मशीन कितने दिन में सीख सकते हो। बाकी जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो 30 दिन लगता है। बाकी आपको ज़्यादा मेहनत का काम बिल्कुल भी नहीं रहता है। जो भी काम होगा आपको बिल्कुल नॉर्मल काम रहता है। आपको बस जो बारीकी काम रहता है, जो कि आपको समझना पड़ता है, तो यही सब कुछ इस मशीन में होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।